सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नितीश इन यूर्स। अगर आपने देखा हो तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया सेवन चक्रास एक्सप्लेन इन हिंदी, क्योंकि मैंने जो इनिशियल वीडियो डाला था सेवन चक्रास एक्सप्लेन इन हिंदी उसके ऊपर लॉकडाउन में बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, बहुत सारे मेल्स आ रहे और लोगों का रिक्वेस्ट है सर प्लीज इसके डिटेल में जाकर और वीडियोज बनाओ। तो मैंने सोचा चलो एक सीरीज ही बना लेते हैं और मैंने उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो यहाँ पे बनाया है, उसका नाम है मूलाधार चक्रा और उसके बाद जो नेक्स्ट चक्र आता है उसका नाम है सैक्रल चक्र या उसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो उस चक्र के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इसका नाम है सैक्रल या स्वादिष्ठान, ये लोकेट करता है एग्जैक्टली जेनाइटल ऑर्गन के पीछे। तो वहां पे वो लोकेट करता है, तो वहां पे लोकेशन होने की वजह से वहां पे आप अगर आपने देखा तो किडनी होती है, ब्लैडर होता है, तो उसके वजह से वहां पे वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है। सो ये चक्र वाटर एलिमेंट को रिलेट करता है। उसके बाद ये जो चक्र है ये दो अलग अलग फॉर्म में उसकी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। अब ये एनर्जी मैनिफेस्टेशन क्या है अगर ये आपको समझना है तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सुनो तो आपको समझ में आएगा मैनिफेस्टेशन क्या है। अगर मेरे पास दो सेम साइज के नाइफ है, वो मैंने क्या कर दिया, एक को दे दिया जो डॉक्टर है, दूसरे को दे दिया जो गुंडा है। अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टर उस नाइफ को यूज करके किसी का ऑपरेशन करता है, किसी की जान बचाता है, और जो भी दूसरा है जो गुंडा है वो उसी नाइफ से एक किसी पर्सन का जान ले लेता है। मतलब वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है क्योंकि वो दोनों भी नाइफ ही है, मतलब सेम एनर्जी है। तो इस तरीके से कोई एनर्जी अगर अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है तो उसी को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो हमारी एनर्जी भी यहाँ पे सैक्रल पे जब आती है तो दो अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है, उसमें से एक होती है निगेटिव एनर्जी, दूसरी होती है पॉजिटिव एनर्जी। अब निगेटिव एनर्जी क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी एनर्जी निगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है उसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में फर्स्ट पॉइंट आता है डलनेस, बहुत ज़्यादा डलनेस आता है। आपने अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था, वो प्रोजेक्ट सभी को बताया था कि मैं इस पे काम करने वाला हूँ, आपने सोशल मीडिया पे डाले, आपके फ्रेंड्स को बताया, फैमिली मेम्बर्स को बताया, लेकिन वो जब आप अभी एक्चुअली काम करना स्टार्ट करते हो तब आप काम नहीं कर पाते हो। अब आप काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि डलनेस आता है। उस काम को हाथ में लेते हो, जैसे 10 या 20 मिनट हो जाते हैं उसके बाद वहां से आपका फोकस हट जाता है। फिर आप क्या करते हो, अगर वही काम करने वाला कोई सक्सेसफुल हो तो उसको यूट्यूब पे जाकर देखोगे, फेसबुक के ऊपर जाकर देखोगे, उसकी लाइफ की अभी जो सिचुएशन है उसको देख के आप खुश होते रहते हो, क्योंकि वही एनर्जी आपको मिलती है जो आपको मिलेगी सक्सेसफुल होने के बाद, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करते, उसी को डलनेस बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी है, ये जो चक्र है वो जेनिटल ऑर्गन के पीछे लोकेट होता है, इसके वजह से यहाँ पे दूसरा नेगेटिव पॉइंट आता है लस्ट। आपके माइंड में बार बार थॉट्स आएंगे सेक्स के रिलेटेड, आप उसी में बिजी हो जाओगे, इसके वजह से इतने 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 बिजी होते हो कि आपकी एनर्जी ड्रेन 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 होती है, आप कुछ नहीं कर पाते। आप जल्दी से आपके बेड से, आपके जहाँ पे सोफा पे बैठे हो उधर से भी उठ नहीं पाते, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है, क्योंकि लस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारे बॉडी में होता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खुद का बिजनेस रन करते हैं, वो आपको सिखाएंगे आप ब्रह्मचारी बन जाओ, आप संन्यास ले लो। तो देखो सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं तो उनके पीछे मत जाओ, क्योंकि ये नेचुरल है। अभी जैसे मैं कुछ खाना खाता हूँ तो मैं दिन भर थोड़ी सोचता हूँ ये डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरल है। उसी तरीके से वो एक फीलिंग है जो नेचुरल है, तो उसको नेचुरल रखो, उसके डिटेल में मत जाओ ज़्यादा, बस जो हो रहा है होने दो, बस उसको एक कंट्रोल वे में रखो। ज़्यादा भी मत करो कि मुझे कंट्रोल करना है कंट्रोल करना है कंट्रोल करना है, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना ही वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो अगर वही एनर्जी पॉजिटिव वे में अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्रिएटिविटी होगी, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ क्रिएटिव होगी, आप जिस तरीके से बात करते हो, आप जिस तरीके से स्माइल करते हो, जिस तरीके से खड़े रहते हो, जिस तरीके से आप जो भी कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, सब कुछ क्रिएटिव रहेगा। लोग आपकी तरफ इसलिए नहीं देखते कि एक पर्टिकुलर काम
हो रहा है, लोग इसके वजह से देखते हैं क्योंकि वो आप खुद काम करते हो, क्योंकि आपके हर एक काम में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। आप चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो या उसी कंपनी में आप झाड़ू लगाते हो, लेकिन आपका काम देख के लोग आपको पहचानते हैं, क्योंकि आपके काम में हर बात नहीं होती है, आप बहुत कुछ नया करना चाहते हो और ये एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से आपसे रिफ्लेक्ट होती है। आप एक एक्सप्रेशन रहते हो खुद के रियलिटी का, लोग आपकी तरफ बार बार देखते, आपकी तरफ देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत अमेजिंग एनर्जी रहती है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको देख के लोग इंस्पायर भी होते हैं, चाहे आपके बारे में वो नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन उनके अंदर से उनको पता है कि ये बंदे में, इस बंदे के अंदर कुछ है, ये जो कमेंट आता है ये इस एनर्जी के वजह से आता है। लेकिन अगर कोई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है एनर्जी को, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे गूगल पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, योगा करो, मेडिटेशन करो, हमारा ये वाला कोर्स कर लो, सब कुछ होता है, शायद उससे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल वही है, अगर आप डल हो, अगर आपकी एनर्जी अभी डाउन है, तो फिर आप क्या करोगे? आप तो जगह से उठ नहीं पा रहे हो, तो मेडिटेशन कब करोगे, योगा कब करोगे? मेडिटेशन करते करते आप सो जाओगे। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्या सोल्यूशन है, तो मेरी लैंग्वेज में वो सोल्यूशन है, एक झटका चाहिए आपको, अभी क्या भी वो झटका खुद को दे दो और उठो और वो चीजें अभी करो जो आप कभी करते थे जब आपका लाइफ का बेस्ट सीन था, जब आपकी लाइफ एक बेस्ट मूड में चल रही थी, उस टाइम आप जो भी करते थे वो चीजें करना अभी स्टार्ट करो। अगर वो सिंगिंग था तो अभी सिंगिंग करो, अगर वो डांसिंग है तो अभी म्यूजिक लगा के डांसिंग करो, अगर वो दोस्तों से मिलना है तो अभी दोस्तों से मिलो, अगर लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है तो अभी जूम मीटिंग कर लो, गूगल मीट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अभी करो उसे, वो झटका अभी आपको देने, तभी आप उससे बाहर आ पाओगे, नहीं तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। जो प्रॉमिस कर रहे हैं हम बाहर निकालेंगे, वो बस आपके पैसे आपसे खींच लेंगे और आप और डिप्रेस हो जाओगे, तो ऐसा मत करो। ये हो गया अभी का सॉल्यूशन। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या, एक बार अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई तो अभी आपको सोचना है कि मैं जिम में जाऊँ, मैं योगा करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, अभी आप सोच सकते हो उसके बारे में, लेकिन वो दूसरे दिन की बात है। लेकिन आज आपको ये करना है, आज आपको खुद को बहुत बिजी रखना है और ऐसी चीज़ें में बिजी रखो जो आपको पसंद है, जो करते करते टाइम कैसे चला जाता है आपको बिल्कुल समझ में भी नहीं आता, आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, इसके वजह से आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इतना सिंपल है, टॉपिक बहुत डेप्थ में है लेकिन मैं आपको वो सिंपल करके बता रहा हूँ। तो हम बात करें स्वादिष्ठान के बारे में, और स्वादिष्ठान में दो चीज़ें आती है, स्व और अधिष्ठान। तो स्व का मतलब होता है आप खुद, और अधिष्ठान का मतलब होता है कंट्रोल। तो जब आप इस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, उस तरीके से खुद पे कंट्रोल लाओगे, तो आपका स्व मतलब खुद और अधिष्ठान मतलब कंट्रोल आ जाएगा, उसी तरीके से आपका स्वाधिष्ठान एक पॉजिटिव वे में चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो, अगर आपको इस सीरीज को और आगे देखना हो, पहले तो अभी लाइक कर दो, थम्स अप दे दो, कमेंट में लिखो आपको और क्या चाहिए मुझसे, आप बताओ, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके सोशल मीडिया पे वीडियो डालो। आपने वो शेयर किया और आपके 10 लोगों ने भी 100 लोगों को शेयर कर दिया, तो मेरा वीडियो आगे आगे बढ़ेगा, मेरा काम लोगों को पसंद आएगा और इस तरीके से हमारी नीतीश सीनियर्स फैमिली बढ़ती रहेंगी। तो प्लीज़ ये शेयर कर देना, डेफिनेटली अभी करो, आपका एक मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं होगा, तो जल्दी से कर देना। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू एंड बाय।